politics, sports, hot topics, Bollywood masala. व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। देश है देश, जनता साथ, तू आवाज। ओनली ऑन 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। अनुसंधान केंद्र जोधपुर द्वारा हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की और आपको देखने को मिल भी रहा है कि कितनी जनता उमड़ रही है और हम अपनी सेवाएं निश्चित रूप से दे रहे हैं और सभी संतुष्ट होके जा रहे हैं। सभी को अपना जो सोचा हुआ कार्य के लिए आए थे, प्रश्न के लिए आए थे, उनको उत्तर मिल रहा है। आप क्या देख रहे हैं? मैं हस्तरेखा देख रही हूँ। हस्तरेखा से सभी संतुष्ट हो रहे हैं। अपना जो भी प्रश्न लेकर आए हैं उनको उत्तर भी मिल रहा है और साथ ही मैं अपन हस्तरेखा देख के उपाय बताते हैं तो वो कार्य 100% पूर्ण होता है। आजा बोलिए। आज अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासंघ को हमारा प्रथम दिवस था, उसमें हमने लगभग 121 ज्योतिष का जो सम्मान किया, किसी को लाइफ दे बैंक की मैंने मान, किसी को ज्योतिष सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी विद्याओं में जनता की सेवा की है। उनका सम्मान करना हमारे दायित्व बनता है और आज उन लोगों को हमने कहा सर ज्योतिष से समय क्या ले लिया, हमारे को याद हो गया। हमारे जितने भी ज्योतिष बंधु बैठे हैं उनकी सभी प्रोफेशनल हैं, उनकी फीसें बहुत ज़्यादा है लेकिन आज सभी अपनी निःशुल्क सेवाएँ दे रहे हैं, चाहे वो मुंबई से आई है, चाहे वो अहमदाबाद से आई है, चाहे दिल्ली से आई, चाहे मैं जोधपुर से हूँ, आज सभी हम निःशुल्क सेवाएँ देंगे और एक पंजीकरण के माध्यम से सेवाएँ दे रहे हैं क्योंकि मेरा एक संकल्प है कि जब भी चंडू जी की जयंती होगी, अभी अमावस्या चल रही है, आषाढ़ मास की अमावस्या होगी, जयंती आती है, हमने चंडू जी की पूजा अर्चना करने के बाद जो संगीता जी बेनीवाल है, जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, बाल विकास महिला आयोग, हमारी मुख्य अतिथि, और आज तक यहाँ पर 1000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्टर कराया। हम जब तक हमारा व्यक्ति यहाँ बैठा रहेगा तब तक हम उनकी सेवाएं देंगे। मेरा संकल्प है चाहे वो रात को 8 बजे चाहे 10 बजे मैं तो यहाँ बैठा रहूँगा और आप को संतुष्ट करने का नियम मेरा ज्योतिष का है। और बहुत हमको संभावना कम थी 200-250 लोग आएंगे लेकिन कल तक 750 से फिर कौन आए लोगों के, क्योंकि सबको जरूर देखे सर हमारे, फिर हमने फिर पंजीकरण खोला और अभी 6:30 बजे तक हम लोगों की अपनी तरफ से निःशुल्क सेवाएँ दे रहे हैं। आजा बोलिए। बड़ा ही सुंदर 2 दिन का ये ज्योतिष महाकुंभ, तंत्र मंत्र यंत्र सब तरह के विद्वान यहाँ पर एकत्रित हुए। गीता ज्योतिष एंड वास्तु अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत पंडित एस के जोशी जी ने बहुत प्रयत्न प्रयास किया, देश विदेश से सब तरह के ज्योतिष की विद्या जानने वाले एकत्रित हुए और सबका मान और सम्मान और इतने ही गुणी व्यक्ति एकत्रित हुए कि कुछ सीखने को मिला। तंत्र जानने वाले, मंत्र जानने वाले, यंत्र बनाने वाले, यंत्र को सिद्ध करने वाले और फेस रीडर से लेकर कर्मकांड तक के सभी विद्याओं के ज्ञाताओं और विद्वानों को बुलाया जोशी जी ने और बहुत ही सुंदर ये जोधपुर सूर्य नगरी के लिए हुआ। बहुत से जातक आए अपनी समस्या लेकर और विद्वानों ने उनकी समस्याओं का समाधान बताया, सुलभ कर दिया। आजकल ज्योतिषी है जो 1000 रुपए लेते हैं, वर्ष में 1-2 बार ज्योतिषी जी ऐसे कार्य करते हैं जिससे यह निःशुल्क हो जाता है। जो 1000 रुपए लेने वाले हैं वह भी यहाँ पर बैठते हैं और अपनी सेवा देते हैं। यह हमारे सूर्य नगरी के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है और ऐसे होते रहें जिससे कि बहुत से समस्याग्रस्त जातक है उनकी समस्याओं का समाधान हो सके और आप इनको प्रचार प्रसार करें जिससे कि अगला कार्यक्रम वो भव्यतम भव्य हो और ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य नगरी के जातकों को इसका लाभ मिले। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और जोशी जी को धन्यवाद देता हूँ, वो ऐसे कार्य करते रहे। अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।